और अब सत्ता की वर्कशॉप में उन कट्टरपंथियों की वैचारिक रिपेयरिंग का वक्त है जो एक चुटकी गुलाल को देखकर गुस्से से लाल हो जाते हैं। आज हम ऐसे लोगों की विचारधारा के पेंच कसने वाले हैं जो हैं तो कट्टरपंथी लेकिन उनकी भावनाएं इतनी नाजुक हैं कि सौहार्द की सत्ता देखते ही तड़पने लगती हैं और जहर उगलने लगती है। ऐसी नफरती टोली का सबसे ताज़ा टारगेट है टीवी एक्ट्रेस हिना खान, जिनकी रंगों से भरी एक तस्वीर ने कट्टरपंथियों के मंसूबों में भंग डाल दिया। दरअसल हिना खान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने मित्र के साथ होली खेलते हुए कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया जिसमें वो पूरी तरह होली के रंग में रंगी नजर आ रही हैं, लेकिन जिन आंखों को सिर्फ नफरत और हिंदू मुस्लिम वाले जहर से भरे एजेंडे को देखने की आदत है उन आंखों में हिना के ये रंग इतने चुभे कि उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसलिए आज हमने होली पर हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों की नजरों पर चढ़े द्वेष के पर्दे हटाने का फैसला किया। वैसे रंग ना तो बोली देखता है ना किसी का मजहब, लेकिन धर्म के बहाने नफरत का झंडा तानकर एजेंडा चलाने वाले लोग रंगों में भी धार्मिक जहर घोलने के लिए तैयार बैठे हैं। होली खेलने पर हिना के लिए भी सोशल मीडिया पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो बेहद शर्मनाक हैं। किसी ने इस्लाम में होली के रंग के इस्तेमाल को नाजायज बताया और हिना खान के लिए जहर उगला तो किसी ने हिना खान को धर्म का हवाला देते हुए नाम बदलने की हिदायत दे डाली। किसी ने मुस्लिम होकर हिना खान के होली खेलने पर नफरती बयान दिए तो किसी ने लिखा कि हिना खान को शर्म करनी चाहिए जो मुसलमान होकर हिंदुओं का त्यौहार मना रही हैं। लेकिन असल में आज शर्म करने की जरूरत उन लोगों को है जो होली पर हिंदू मुस्लिम वाली नफरत का जहर पीकर हिना के खिलाफ जहर उगल रहे थे। असल में ऐसे लोग समाज के वो दुश्मन हैं जिनका दिल बहुत काला है। इन्हें रंग अच्छे नहीं लगते हैं, ना ही समाज में और ना ही किसी की जिंदगी। हिना खान की होली पर मचे सोशल युद्ध के बाद आज हमने कई मुस्लिम और हिंदू धर्मगुरुओं से बात की जो लोग होली के रंगों में नफरत और बैर का रंग घोलना चाहते हैं। मजहब के उन ठेकेदारों को आज ये रील जरूर देखनी चाहिए, इससे उन्हें कुछ सद्बुद्धि मिलेगी। अपने अनुयायियों को यानी मुसलमानों को होली खेलने की इजाजत नहीं देता है, दूसरे के मजहबी शियार में खुद रंग जाएं, तो इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। हिना खान ही नहीं, हिंदुस्तान में कितने लोग होली खेल रहे हैं। मेरे यहाँ कोई दूसरे मजहब का शख्स आता है, मैं उसके धर्म का एहतराम करते हुए, उससे मोहब्बत करते हुए उससे होली मिलता हूँ, उससे गले मिलता हूँ, उससे फूलों के साथ होली खेलता हूँ, तो इसमें क्या एतराज है। मुझे अफसोस है ऐसे लोगों के ऊपर जो मजहबी मामलों के अंदर ट्रोल करके नफरत की भाषा जो है बोलते हैं और देश के अंदर जहर उगलते हैं। रंग लगा लेने से इस्लाम में कोई ऐसी गुमानियत और मनादी नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मुस्लिमों को देखा रंग बेचते हुए, गुलाल बेचते हुए। उनका रंग गुलाल बेचना हराम नहीं है, लेकिन रंगोत्सव में शामिल होकर रंग डलवाना हराम है। कैसे ये दोगलापन कैसे?